नहीं पढ़ना है, जरा हम डिव बना लेते हैं। डिव स्टार्ट किया, डिव ओपन है और ये डिव हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोज हो गया। कि यार अभी मैं डिव लगा रहा हूँ, इस डिव को मैं क्लास यहाँ पे दे देता हूँ ए बी सी। अब इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज हम लगा देता हूँ, स्टाइल क्लास के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डॉट ए बी सी, और इसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, विड्थ, विड्थ 500 px और हाइट 250 px। क्लियर, हाइट मैंने यहाँ पे क्या दे दी, 250 px। उसके बाद बैकग्राउंड कलर की मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर्स को मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ रेड। अब आप ये चेक करेंगे, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका बॉक्स आ गया। क्लियर, इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, आपको टैक्स ही नजर आ रहा है इसके अंदर कहां पे बिल्कुल लगा हुआ है, टॉप लेफ्ट बिल्कुल एजिस के साथ लगा हुआ है। अब अगर आप कह रहे हो कि ये एजिस के साथ लगा हुआ है, मैंने थोड़ा इसको आगे करना है, ठीक है, तो अब हम को क्या लगाएंगे, अगर मैंने अंदर की तरफ स्पेस देनी है, इनर स्पेस देनी है, तो मैं लगाऊंगा पैडिंग। पैडिंग लगा लेता हूँ 20 px। अब आप चेक करना यहाँ पे, हाउ आर यू, स्पेस आ गई है, ये इसने टॉप की तरफ भी स्पेस दे दी है, इसने लेफ्ट की तरफ भी दे दी है, इसने राइट की तरफ भी दी है, और इसने बॉटम की तरफ भी दी है, पैडिंग से बड़ा। क्लियर बात, यहां तक मैं यहां पे कोई टेक्स्ट लगाता हूं, स्ट्रेट ये चेक करें, और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग ना लगाता, पैडिंग 20 px ना लगाता, तो आपका बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट के साथ भी टॉप पे है, बॉटम में भी आपको फुल नहीं हुआ, इस वजह से टॉप पे भी सही है, लेफ्ट की तरफ भी बिल्कुल एच के साथ लगा हुआ, और राइट पे भी एच के साथ है। और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग लगा देता हूँ, पैडिंग 30 px, अब ये क्या करेगा, अब आपकी चारों साइडों पे टॉप की तरफ भी, बॉटम की तरफ भी, लेफ्ट की तरफ भी, और राइट की तरफ, दोनों हर जगह क्या कर रहे, 30 px की स्पेस दे रहा है। डन। अच्छा, अब अगला मैंने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैंने बॉक्स हमारा कहाँ पे नजर आ रहा है, ये बिल्कुल मैंने अगर बाहर की तरफ स्पेस देनी है, कहाँ पे स्पेस देनी है, बाहर की तरफ, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे मार्जिन, मैं यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन 45 px, आपने जितना भी मार्जिन देना है। अब मार्जिन से देखो क्या होगा, कहाँ पे स्पेस आई, आउटसाइड पे, आउटसाइड की टॉप पे, आउटसाइड के लेफ्ट पे, राइट पे और बॉटम पे, यहाँ पे हर जगह देखो स्पेस आ गई 45 px की। डन बात यहाँ तक, ओके। अच्छा, इसको ये हमारी बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम कहते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी का इसको मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वैल्यू दे रहा हूँ, जिस तरह मार्जिन हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, एक हमारी पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इनको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मैं मार्जिन लगा रहा हूं तो ये चार जगह को स्पेस दे रहा है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, और ये भी लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम को स्पेस दे रहा है, चार जगह दे रहा है ना। अच्छा, अगर आप कहो कि मार्जिन मैंने बस टॉप की तरफ देना है, मैंने ना लेफ्ट की तरफ देना है, ना मैंने राइट की तरफ देना है, ना मैंने बॉटम की तरफ देना है, तो आप क्या लिखोगे प्रॉपर्टी, मार्जिन लेफ्ट 20 px। अभी कहां पे मार्जिन देगा, लेफ्ट साइड पे देगा, सेम पैडिंग का भी यही है, अगर आप पैडिंग लेफ्ट लिखोगे तो कहां पे पैडिंग देगा, पैडिंग लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये मार्जिन लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट की तरफ दे रहा है, तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी,
मार्जिन, क्योंकि मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाने से वो हर जगह पे दे रहा है, तो एक प्रॉपर्टी के थ्रू आपका सारा काम हो रहा है। ये आपको मैं भी दिखा देता हूँ, इधर देखो ये आपने मार्जिन लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 55px, मैंने मार्जिन खत्म कर दिए। अब मैं अगर लिख रहा हूँ मार्जिन 55px, तो कहाँ पे स्पेस आई है, बस लेफ्ट पे, ना टॉप की तरफ, ना राइट की तरफ और ना बॉटम की तरफ स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन टॉप 150px, दी है, अभी चेक करें मार्जिन टॉप की तरफ आ गया 150px की स्पेस। ये देखो ये स्पेस कितनी है और लेफ्ट की तरफ स्पेस कितनी है। अब आप चारों साइडों पे डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इस डिफ के नीचे मैं एक और लगाता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग वन लगा देता हूँ, अब देखो हेडिंग वन कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इधर। अगर आप कह रहे हो उसको मैंने थोड़ा और नीचे देना, स्पेस देनी है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ मैं यहाँ पे 100px। अब इधर देखें, अब आप इसके नीचे स्पेस आ गई है और नीचे चला गया ऑटोमेटिकली। ये आपका है मार्जिन, अगर आपने सबको डिफरेंट देना है, सबको मैं डिफरेंट दे रहा हूँ और मैं मार्जिन राइट भी लगा देता हूँ 55px। ये अब आपके लग गया मार्जिन राइट, लेकिन मार्जिन राइट पे भी कोई चीज़ नहीं है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, जब लगाओगे तो 55 के बाद चीज़ आएगी। आप 55px ने क्या दिया है, ऑटोमेटिकली स्पेस दी है। अब क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा ये देखो, मैंने ये चारों काम, ये चार काम मैं कर रहा हूँ अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के मार्जिन की। अगर मैंने सबको सेम देना है, मैं कह देता हूँ इसको भी 150, ये भी 150 और ये भी 150, ये चारों साइडों पे क्या कर देगा, इक्वली दे देगा स्पेस 150 150 150। डन बात यहाँ तक। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं चारों को देना चाह रहा हूँ तो मैं चारों को लेता क्यों लिख रहा हूँ, मैं एक ही में लिख देता हूँ मार्जिन 150px। इसका मतलब क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह क्या कर रहा है, वो इक्वली स्पेस दे रहा है। डन बात यहाँ तक। अच्छा अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो मैं डिफरेंट देना चाह रहा हूँ वो भी यही देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150px 25px 85px 92px, ये भी देना चाह रहा हूँ। अब क्या मतलब होगा, 150 किसका है, मैंने चार बताए हैं 150 25 85 और 92। अब आपको किसना पता चलेगा कि 150 टॉप का है किसका है, ये बेसिकली आप किसका बना रहे हो, रेक्टेंगल आप बना रहे हो, तो ये टॉप पहली वाली वैल्यू आपकी टॉप की होगी, मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, अगली वैल्यू इसकी होगी राइट की, बॉटम की, फिर तीसरा याद रखो ये मार्जिन बॉटम, मार्जिन और पैडिंग दोनों का है। मैं आपको मार्जिन समझा रहा हूँ, मार्जिन पैडिंग दोनों का सिनेरियो ही है। तो पहली वाली वैल्यू किसकी है आपकी, टॉप की, मतलब 150 जा रहा है आपके टॉप की तरफ, और 25 किसका है, राइट का, 85 आपका बॉटम का है और 92 आपका लेफ्ट का। आप सबको पूछ सकते हैं कि यार ये वैल्यूज हैं, इसमें बॉटम मार्जिन कितना है, तो आप बता सकते हो कि बॉटम मार्जिन यहाँ पे मेरा कितना है 85। क्लियर बात यहाँ तक। ये रेक्टेंगल बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो सबका डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे, क्लियर बात यहाँ तक। ओके, सेम प्रोसीजर आपका पैडिंग का भी यही है। अगर आपने पैडिंग का भी ये करना, देखो ये पैडिंग आपकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है पहली वाली, और ये आपकी कौन सी आ रही है, सिंपल प्रॉपर्टी। बॉटम की तरफ अगर देना है पैडिंग, सिर्फ लेफ्ट की तरफ देना है, राइट की तरफ देना है या टॉप की तरफ देना है, ये अगर दोगे तो चारों को भी लगा सकते हो, जिससे हमने ऊपर काम किया हुआ है कि 20px 54px 61px 12px। सेम काम है इसका भी, कि पहले वाला 20 आपका टॉप है, 54 राइट है, 61 बॉटम है और 12 आपका लेफ्ट है। क्लियर यहां तक। ओके अच्छा, अगर मैं यहां पे ये थ्री प्रॉपर्टीज लिखता हूं, अब क्या मतलब होगा, अगर मैंने थ्री प्रॉपर्टीज लिखी है, अब देखो क्या लिख दिखा रहा है आपको, मार्जिन टॉप कितना है आपका 150, राइट कितना है, बॉटम कितना है। तो
अगला क्या कर रहा है, लेफ्ट को क्या कर रहा है, राइट के अलावा, क्योंकि राइट के इक्वल कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल में यही होता है ना, ऑपोजिट साइड सेम होती है। क्लियर बात यहां तक? और अगर मैं दो वैल्यूज देता हूं, फिर टॉप और बॉटम इक्वल है और लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेकिन अगर मैं एक वैल्यू देता हूं फिर सारी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बात यहां तक? ओके, ये मार्जिन का भी सेम सिनेरियो है और ये पैडिंग का भी सेम सिनेरियो है आपका। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चीज देख लेते हैं। अब आपको मैं कहता हूँ यार, ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने कलर कर दिया रेड, लेकिन जो उसके बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स नहीं है, मैंने बॉर्डर्स लाने, जो बॉर्डर कहते हैं आउटलाइन को, मैंने इसकी क्या लानी है, आउटलाइन। आउटलाइन कैसे लाते हैं, आप लिखते हो यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर का यहाँ पे लिखोगे 2px सॉलिड ब्लैक। ये क्या चीज है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ, क्या मतलब हुआ इसका, ये तो आपने ट्रांसलेट कर दिया मुझे उर्दू में, 5px means बॉर्डर की थिकनेस। ठीक है, आप इसकी ये थिकनेस बढ़ाते रहोगे, ऑटोमेटिकली लाइन आपकी थिक होती रहेगी। मैं यहाँ पे 5 कर दी है तो आपकी लाइन देखो और हुई है, अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ आपकी लाइन और थिक होती जा रही है। डन बात यहाँ तक? ये सॉलिड क्या है, सॉलिड लिखते हो, सॉलिड का मतलब होता है प्लेन लाइन, सिंपल लाइन। मैं कहता हूँ डैश लाइन कर दो, डैश्ड। अब ये कौन सी लाइन आ जाएगी यहाँ पे, डैश लाइन आ गई है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं डॉटेड लाइन ले आओ। अब कौन सी लाइन आ जाएगी, डॉटेड लाइन आ गई डिस्क के ऊपर होगा। ठीक है, और ग्रोव लिख देता हूं, एक ये भी है, इसमें काफी सारे हैं, ये आपको भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको मैं भी और पैडिंग और बॉर्डर बढ़ा देता हूँ। ग्रोव आपको भी चलने लगा स्ट्रेट, और ये ब्लैक इसकी जगह मैं अगर कलर चेंज करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन। आपका बॉर्डर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो ग्रोव ये है, क्लियर, ये आपका ग्रोव है। और अगर इसको मैं रिच में कन्वर्ट करता हूं, इसमें और मुझे इसमें फर्क बताना, क्या हुआ इसमें फर्क, ठीक है बात यहां तक? ओके, इसने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कोई मसला यहां तक? ओके, अच्छा यार, यहाँ पे बॉर्डर भी आपकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। क्यों शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, कि उसके अंदर आप तीन चीजें बता रहे हो, क्या चीजें बता रहे हो, एक आप बता रहे हो बॉर्डर की विड्थ, ठीक है, और क्या बता रहे हो, बॉर्डर का स्टाइल बता रहे हैं कि हमने डॉटेड यूज करना है क्या यूज करना है, और क्या बता रहे हो, बॉर्डर का कलर बता रहे हैं। तो आप सिंपल, आपकी जो बॉर्डर है ये भी आपकी यहाँ पे क्या है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। ये देखो मैंने तीन लाइनों में लिखा, यही मैं सॉरी एक लाइन में लिखा, यही मैं तीन लाइनों में लिख सकता हूँ कि बॉर्डर की विड्थ कर दो 5px, बॉर्डर स्टाइल कर दो यहाँ पे डैश्ड, और यहाँ पे ये कर दो ग्रीन। क्लियर बात यहाँ तक? ये तीनों प्रॉपर्टी बताना जरूरी है, तीनों नहीं बताओगे तो आपको बॉर्डर शो नहीं होगा, तीनों बताना जरूरी है। या तो आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में काम कर लो, या आप तीनों लहता लहता बताओ। क्लियर बात यहां तक? अच्छा, ये अभी भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, कैसे, बॉर्डर विड्थ ये चारों सेटों की क्या रख रहे हैं, 5px। आप कह दो कि चारों सेटों की मैंने डिफरेंट करनी है विड्थ, तो क्या लिखोगे यहां पे, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ 10px, बॉर्डर राइट विड्थ
22px border bottom border bottom width 55px. बस मैं यही बताता हूँ, मैं एक एक और वो टॉप की नहीं बता रहा, सबकी डिफरेंट आ गई. और उसने टॉप की क्या दे दी है, बाय डिफॉल्ट वन. बाय डिफॉल्ट क्या दे दी उसको, यहां तक कोई मसला क्लियर? अच्छा, ये आपकी शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी नहीं है. लेफ्ट राइट बॉटम आपकी शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि लेफ्ट आपकी कहां पे लग रही, बस लेफ्ट की विड्थ को, और राइट जिस कहां पे लग रही है आपकी, राइट की विड्थ को. लेकिन अगर आप बॉर्डर विड्थ लगा रहे हो वो चारों को लग रहा है. सेम बॉर्डर कलर में भी यही है, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर बॉटम कलर और टॉप कलर, ठीक है. और इसमें भी सेम है बॉर्डर स्टाइल का, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉटम का स्टाइल बताना हो अगर हर किसी का चेंज करना हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो. क्लियर बात यहाँ तक? लेकिन ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल भी आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, और बॉर्डर विड्थ भी आपकी क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है. यहाँ तक कोई मसला? ठीक है. अच्छा, इसमें आपको मैं चीज क्लियर कर देता हूँ. इसमें एक आपको ये प्रॉपर्टी भी मिलेगी, बॉर्डर बॉटम. ये शॉर्ट हैंड है क्या है? कैसे? विड्थ भी बतानी पड़ेगी, कलर भी बताना पड़ेगा, और स्टाइल भी. वो यहाँ पे जब आपने लिखा हुआ था कि बॉर्डर बॉटम का, इसमें क्या बता रहा हूँ, विड्थ. लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखा, बॉर्डर बॉटम. बॉटम की मुझे तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी, उसकी विड्थ भी, उसकी स्टाइल भी, और उसका कलर भी. ये भी शॉर्ट हैंड है, ये भी शॉर्ट हैंड है, और ये भी शॉर्ट हैंड है. लेकिन ये शॉर्ट हैंड किस तरह स्टाइल चारों का पूछ रहा है आपसे, ये किसका पूछ रहा है, जस्ट बॉटम का. क्लियर बात यहाँ तक? ये आपको मैंने एक चीज बता दी. तो इसमें आप कैसे लिखोगे, 3px सॉलिड येलो, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि इसमें हमने तीनों चीजें बतानी है बॉटम की. यहां तक कोई मसला आपको? क्लियर? ओके. अच्छा, मैं इस डिफ को कर रहा हूं खाली. ये डिव आपकी बिल्कुल खाली हो गया, डिव आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जगह तो उसने ली भी है, तभी आपको दी एंड सबसे एंड पे नजर आ रहा है. क्लियर? आपको मैंने कहा था कि बॉर्डर को डिस्प्ले में लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कि आपको मैंने कहा था कि अगर आप उसको विड्थ और हाइट लगाओगे तो बॉर्डर में इफेक्ट नजर नहीं आना. जब तक क्या लगाना पड़ेगा आपको, कलर. या तो आप बैकग्राउंड कलर लगा दो, मैं या तो यहाँ पे कलर लगा देता हूं, ठीक है, या अगर आपने कलर नहीं लगाना आप बॉर्डर लगा दो. यहाँ पे लिख दो बॉर्डर 3px सॉलिड रेड, आप बॉर्डर लगा दो यहाँ पे. क्लियर बात यहां तक? आपको अगर आपने दोनों लगाने हैं दोनों लगा दो. आप कह रहे हो मैंने बैकग्राउंड बॉर्डर भी लगाना है और कलर भी लगाना है, तो कलर भी लगा दो. ग्रे कलर कर दिया, दोनों चीजें आपकी लग रही है. क्लियर बात यहां तक? सिर्फ बॉक्स को शो करने के लिए आपको या तो बॉर्डर या तो बैकग्राउंड कलर में से कोई एक चीज लाजमी लगानी पड़ेगी, वरना आपको शो नहीं होगा. यहां तक ये मसला? कोई मसला नहीं है? इश्यू मुझसे पूछ लो, है कोई इश्यू? कौन पूछ रहा है, पूछ ले. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन क्या होता है अब हम देखते हैं. मैं इस बॉक्स का साइज स्मॉल कर देता हूं, 200x150. ये आपके बॉक्स का साइज हो गया.
बॉक्स साइज। अच्छा ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन आपका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें माउस लेके आऊंगा, माउस का कर्सर, तो आपका ऑटोमेटिकली ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा और एक स्पेसिफिक तक जाएगा जहां तक आपने उसको बताया, और माउस डालोगे फिर ये स्मॉल होना शुरू हो जाएगा बॉक्स, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे, ट्रांजिशन आपकी सी एस एस की प्रॉपर्टीज है, वो किस तरह लगाएंगे, मैंने डिफ बनाया, डिफ को क्लास कह दे दी मैंने एबीसी की, मैंने डिफ का विड्थ और हाइट बता दी कि इसकी विड्थ कितनी है 100 और हाइट कितनी है, और बैकग्राउंड कलर इसलिए लेना ताकि मुझे बॉक्स विजिबल हो, अगर आपने बॉर्डर के थ्रू करना बॉर्डर के थ्रू कर दो। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन लिखना है हमने, यहाँ पे आपने ये ट्रांजिशन की सारी प्रॉपर्टी लगानी, पहली वाली जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सारी चीजें बता सकते हो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ पहली वाले को स्किप करके। अच्छा इसका मतलब क्या डिले, डिले का मतलब क्या होगा, डिले कितनी देर बाद वो स्टार्ट होगा ट्रांजिशन चलना, ठीक है डिले उसको कहते हैं। तो इसको आपने सेकंड्स में बताना है, मैं लिख देता हूं कि डिले कितना हो 2s, 2s का मतलब क्या है 2 सेकंड्स, इसमें हम मिनट्स में नहीं बता सकते, अगर आपने 3 मिनट्स का डिले देना होगा तो क्या लिखोगे 180s। ठीक है, आपने यहाँ पे सेकंड्स में देना है, यहाँ पे हम मिनट्स आवर में नहीं देते, आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, कोई मसला यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट वन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन का मतलब है कितनी टाइम इसने कवर करना है एक चीज। ठीक है, मैं कह देता हूँ 8s, 8 सेकंड्स में आपने कवर करना है, ओके। अच्छा मैं आपको कहता हूँ टू स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स ने ना नीचे से होके आना है, एक ने 5 सेकंड में होके आना है, एक ने 10 सेकंड में होके आना है, और पूरे टाइम पे आना है, ये नहीं कि कोई एक सेकंड पहले आ रहा हो या कोई एक सेकंड लेट आ रहा हो, पूरे टाइम पे खत्म करना है, एक ने 5 सेकंड में और एक ने 10 सेकंड में। स्पीड किसकी तेज होगी, 5 सेकंड वाले की, ठीक है। आप इसको जितना कम करते रहोगे ना ड्यूरेशन, ये उतना फास्ट चलेगा, और जितना आगे टाइम बढ़ा दो उतना क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, डन, क्योंकि इसने पूरे टाइम पे कंप्लीट करना है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी ट्रांजिशन की, डिले भी लगा दिया, ड्यूरेशन भी लगा दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब है आपने किस पे लगानी, मैं कह रहा हूँ जस्ट विड्थ बढ़े या इंक्रीज हो विड्थ। नेक्स्ट वन ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन का स्टाइल मैं यहां पे लगा देता हूँ लीनियर। इसके बाद ट्रांजिशन बस, ठीक है बस ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांजिशंस की। अच्छा ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी है। अच्छा अब जो आपसे मैं बात कर रहा था, वो मैं क्या कह रहा था कि जब मैं माउस लेके आऊं, जब मैं उस पर क्या लेके आऊं माउस, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ एबीसी। माउस लाने का मतलब होता है हमने ये प्रॉपर्टी लगानी हॉवर की, हॉवर की प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये आपकी बेसिकली सूडो क्लासेस है, इनको क्या कहते हैं हम सूडो क्लासेस, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सुडो क्लासेस का मतलब होता है इवेंट्स होते हैं, या बता रहे हो कि अगर मैं एबीसी के ऊपर माउस लाऊं, माउस लाने का मतलब होता है हॉवर, कि मैंने क्लिक नहीं किया है जस्ट मैं क्या लाया हूं माउस, और किसके ऊपर डॉट एबीसी, डॉट एबीसी मैंने किसका नाम रखा हुआ था डेफ का, कि अगर इस पे हॉवर की प्रॉपर्टी आए तो इसकी विड्थ कर दो, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 900 px। ठीक है, ये होवर की प्रॉपर्टी, ये आपकी बाय डिफॉल्ट चलेगी विड्थ 100, और ये कब चलेगी जब माउस लेके जाओगे तो कितनी कर देगा ये आपकी विड्थ 900। होवर की प्रॉपर्टी तब चलती है जब आप उस पर माउस लेके जाते हो, वरना नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो अभी क्या साइज है इसका, सेम है। अब अगर मैं इसमें माउस लेके आता हूँ, अभी देखें ट्रांजिशन, ये डिले चल रहा है, ये आपकी ड्यूरेशन है, और ये 900 तक जाएगा, 900 काफी बड़ा हो गया, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 500, इनफ अभी 500 तक जाएगा, हो गई कंप्लीट। ये वापस तब तक नहीं आएगा जब तक हम माउस नहीं डालते, क्योंकि अभी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है हॉवर की, क्योंकि आपने बॉक्स के ऊपर क्या लाए हो हॉवर, और हॉवर किसके ऊपर लगाया था आपने एबीसी, डॉट एबीसी, डॉट एबीसी किसकी क्लास थी डिफ की, डन। अब अगर मैं माउस हटाता हूँ, अब ये दोबारा वापस किस पे लाएगा इसको 100 पे, हमने बाय डिफॉल्ट कितनी बिट रखी हुई जिसकी 100,
अब ये 100 पे इसको वापस लेके आएगा, ये एनिमेशन टाइप है, क्लियर। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपका डिले दो दफा चला है, किस तरह करके, फर्स्ट टाइम डिले चला और ड्यूरेशन चल रहा है, ये कितना चल रहा है, 8 सेकंड का, आई थिंक मैंने 8 सेकंड दिया था, इसने 8 सेकंड में 500 करना है, हो गया, डिले भी चल गया और ड्यूरेशन भी चल गया। अब मैं अगेन आ रहा हूँ, अगेन डिले चल रहा है और अगेन ड्यूरेशन चल रहा है, दो दो दफा चल रहा है आपका प्रॉपर्टी, क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा ये लीनियर के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जिस स्टाइल है, जिसने वो पढ़ा होगा ना पावर पॉइंट को आइडिया होगा इस स्लाइड्स की, ये इज इन आउट लगाता हूँ, अब इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वो क्या फर्क होगा, ये थोड़ा स्लिप होके आ जाएगा, स्लिप हुआ, थोड़ा स्पीड तेज हुई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, अगर आप इसको अपने लैपटॉप पे चेक करना थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट का फर्क है बस। अभी जो ये था कि स्लो स्पीड में ना तेज स्पीड में हुआ था एकदम, ये दोबारा चला के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल स्लो स्पीड में होगा लेकिन एकदम स्पीड पकड़ेगा, ये चेक करें, चेक किया, माइनर सा फर्क है, और अभी चेक करें दोबारा, ये स्लो स्पीड में है, देखो अब स्पीड होगी तेज, माइनर सा फर्क है इसमें, यहां तक कोई मसला, ओके। ये प्रॉपर्टी मैंने किसके ऊपर लगाई हुई थी, विड्थ पे, अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ हाइट पे, और यहाँ पे मैं हॉवर के अंदर क्या ले लेता हूँ, हाइट, मैं कह देता हूँ इसकी हाइट कितनी है, बाय डिफॉल्ट 100 है, इसकी हाइट कर दो 300, अब देखना क्या इंक्रीज होगा इसका, इफेक्ट नजर आया, ये हाइट बढ़ी है इसकी, पहले हमने विड्थ बढ़ाई है, उसके बाद हमने क्या बढ़ाई है, हाइट। अगर आप कहते हो मैंने दोनों बढ़ानी है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, विड्थ 550px। अभी चेक करना है इसने विड्थ कितनी करनी होगी और हाइट कितनी करनी होगी, दोनों साल बढ़ाएगा, क्लियर बात यहां तक। अच्छा अभी इधर एक और चीज चेक करवाता हूं, इसकी हाइट कितनी है, 100, इसको मैं कहता हूं इसने हाइट कितनी करनी है, 200, लेकिन जो इसने विड्थ करनी है वो इसने करनी है 700, और इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 100, और हाइट कितनी है, हाइट कम बढ़ेगी लेकिन विड्थ क्या हो रही है, तो स्पीड में क्या बढ़ेगा, तेज, विड्थ ज्यादा स्पीड में बढ़ा रहा होगा लेकिन हाइट कम स्पीड में बढ़ा रहा होगा, देखना इसने पूरे टाइम पे कंप्लीट करना है, देखें, ये चीज समझ में आ गई है, क्लियर। अच्छा अब आप कहोगे सर ट्रांजिशन क्यों लगाना पड़ा, ये तो वैसे भी कर सकता था, अगर मैं ट्रांजिशन ना लगाता और डायरेक्ट हॉवर देता तो उसने क्या करना था, बस ये, ठीक है, ये जो स्लोमो में आपका जो इंक्रीज हुआ था ये आपका ट्रांजिशन था, वरना अगर आप डायरेक्ट हॉवर लगाते तो उसने क्या करना था, कि माउस लाया हूं डायरेक्ट, उसने क्या कर दिया यहाँ पे, उसकी विड्थ उतनी कर दी और हाइट जितनी आपने सो कहा हॉवर पे, और जब मैं वो डालूंगा तो दोबारा किस पे कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन लगाने का मकसद ये था कि इसको स्लोली स्लोली करे जिस पोजीशन पे हमने बढ़ाना इसको, अब उतने तक लेके जा रहा है, ये हमारे एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन दूसरा है, एनिमेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें हमारा सर्कल होगा और सर्कल में स्क्रीन में मूव करवाऊंगा, ये अभी पढ़ना है, इमेज लगाना चाह रहे हैं हम, कह रहे हैं इमेज जरा जूम हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा इमेज सोर्स, इमेज लगा देते हैं यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये हमने लगा दिया, इसको क्लास क्या दे देते हैं, हम सेम क्लास दे देते हैं एबीसी, अब इसके अंदर इसकी मैंने एबीसी की इसकी इमेज की विड्थ कितनी रख दी, 100, और हाइट कितनी रख दी, बैकग्राउंड कलर का जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बॉक्स नहीं है, ये हमारी इमेज थी, नजर आ रही इमेज। अब इसने हॉवर के अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है,
200 हाइट हो जाए और उसकी विड्थ कितनी हो जाए, माउस लेके आया हूँ, डिले चला आपका ये, और ये देखें जूम हो रहा, क्लियर। और अगर मैं हटा देता हूं क्लियर बात यहां तक, कभी कभार आपने जूम जब कराना होता है ना, ये आपने अगर कोई आपने इमेज लगाई होगी और आपका हो गया जब माउस लेके आए तो वो जूम करे, तो आप ये वाला काम कर देना वेबसाइट पे, क्लियर बात यहां तक, ओके। ये फिट हाइट दोनों बढ़ा रहा है। अच्छा अब आपको इजीन और लीनियर में फर्क दिखाता हूँ, ये थोड़ा बहुत आपको मैं फर्क दिखाता हूँ, जरा इसका फ्लो चेक करो ये किस तरह बढ़ रहा है, देखो स्पीड पकड़ी इसने और यहाँ पे आके बाउंस होता है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको लीनियर में आपको दिखाऊंगा, ये आपको ज्यादा क्लियर ना, जब आप खुद कोड करोगे बोर्ड से स्क्रीन पे देखोगे आपको क्लियर नजर आ जाएगा, इनमें फर्क होता है। ये लीनियर, लीनियर चेक करो, ये लीनियर है, ये एंड पे बाउंस नहीं हुआ है, यहां तो कोई मसला, क्लियर। ओके लेक्चर हमारा यहीं तक था।